जावेद बड़े कारोबार करता है, एक तरफ प्रॉपर्टी का और दूसरी तरफ पुरानी मशीनरीज और गाड़ियों का, और पता है बाहर से मंगवाता है फिर उन्हें ठीक करके खूब पैसा कमाता है। वो कैसे? भाई प्रॉपर्टी और मशीनरी में दो चार लोग मिलकर पैसे लगाते हैं, फिर जब वो चीज बिकती है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। फरजाना भाजी, आपने कभी हिस्सा डाला है? हाँ ना, एक प्लॉट में 5 लाख रुपए लगाए थे और ये घर उसी की वजह से तो बना है। तो कितना प्रॉफिट हुआ था? भाई मुझे तो 10 लाख का हुआ था, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। 10 लाख? वो भी 1 महीने के अंदर मिल गए थे आपको? हाँ हाँ, कभी तो 10 दिन 1 हफ्ते में मिल जाता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी किसी कारोबार में हिस्सा डाल लो। ये अम्मा के घर से जाते ही इसका बेटा मालदार हो जाता है। क्या बात है? इस वजह से यार सुना था कि कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आज देख भी लिया। चलो शुक्र है तुम्हें यकीन तो आया। अच्छा सुनो, जल्दी करो, इससे पहले कि शगुफ्ता पार्टी आ जाए। चार लोग डर लगता है कि मेरी पास ही तो। मेरी जान, डर क्यों रही हो? तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना। अच्छा इसको ना चुप कर ध्यान से। अच्छा सुनो, किसी दिन घूमने चले? सच्ची मेरा ना बहुत दिल करता है नवीर, लेकिन जी तो कोई ड्रामा कर लेना ना। सारा दिन तो ड्रामा देखती हो, कोई ड्रामा कर लेना मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सफदर फटेक जी, फरमाइए। वालेकुम सलाम, मैंने ऑनलाइन आपका ये ऐड देखा था, क्या जॉब है ये? हम जी कॉस्मेटिक्स के इंटरनेशनल ब्रांड सेल करते हैं, और जितनी मार्केटिंग आप करेंगी उसके मुताबिक आपको सैलरी या कमीशन डॉलर्स में देंगे। डॉलर्स में? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको शुरू में हमारी 15 से 10 आइटम सेल करनी होगी। हाँ वो मैं कर लूंगी। बैठो। बैठो ना बेटा। कहाँ पर? महाम के साथ अनम की खैरियत मालूम करने गई। बेटा मैंने तुम्हें इस वक्त इसलिए बुलाया है कि मैं ये बात किसी और के सामने करना नहीं चाहता। क्या मतलब चाचा? रहमत बहन का फोन आया था मुझे। तो अम्मा ने आपको फोन कर दिया? वो भी परेशान थी और मैं भी घबरा गया। वजह भी बताइए। बेटा ये तो मसले का हल नहीं। आपके पास कोई हल है बता दें।